वेलकम टू आदिवर्ग ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 24 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने आंध्र प्रदेश के नेडू योजना को लागू करने के लिए घोषणा की है? सो विच स्टेट अनाउंस टू इम्प्लीमेंट नेडू स्कीम ऑफ द आंध्र प्रदेश? सो आंसर इज द तेलंगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, स्वीडन देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सो हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन? सो आंसर इज स्टीफन लोफवन। सॉरी फर्स्ट नहीं है बट प्राइम मिनिस्टर अभी चेंज हुए तो स्टीफन लोफवन हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, किस राज्य में सिल्वर लाइन परियोजना की शुरुआत की है? सो इन विच स्टेट स्टार्टेड द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट? सो आंसर इज केरला। हाल ही में केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अब बात केरला की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस खिलाड़ी के सम्मान में उसकी जयंती को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है? सो इन ऑनर ऑफ विच प्लेयर हिज बर्थ एनिवर्सरी वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल टेनिस डे इन स्पेन? सो आंसर इज राफेल नडाल। हाल ही में राफेल नडाल के सम्मान में स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस घोषित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की पुस्तक मॉक इन अ मस उनके मरणोपरांत लॉन्च किया गया है? सो विच इंडियन न्यूरोलॉजिस्ट बुक मॉक इन अ मस वॉज लॉन्च पोस्टमसली? सो आंसर इज डॉक्टर अशोक पंगारिया। इंपॉर्टेंट है याद रखना हमें डॉक्टर अशोक पंगारिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत ने किस देश के साथ कृषि संबंध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है? सो विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेशन? सो आंसर इज फिजी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, किस भारतीय शहर को एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिक केंद्रों में से एक नामित किया गया है? सो विच इंडियन सिटी वॉज नेम्ड वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी हब्स इन एशिया पैसिफिक? सो आंसर इज बेंगलुरु। इम्पोर्टेंट है याद रखना है हमें, हाल ही में बेंगलुरु जैसा कि हम जानते हैं कि बेंगलुरु कोलकाता की जो है कैपिटल है। अब लॉन्च पुस्तक हब्बा खातून के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक हब्बा खातून? सो आंसर इज काजल सूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन इन दिस ओलंपिक बाउंड इंडियन मेंस हॉकी टीम? सो आंसर इज मनप्रीत सिंह। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, लॉन्च पुस्तक द सेवन सिंस ऑफ बींग द मदर के लेखक कौन है? सो हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द सेवन साइंस ऑफ बींग अ मदर? सो आंसर इज ताहिर कश्यप खुदाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सो हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आर्मेनिया? सो आंसर इज निकोल पाशिनियन। हाल ही में आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन बने हैं। इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है निकोल पाशिनियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच कंट्रीज आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एरियल हाई पावर्ड लेसर? सो आंसर इज इसराइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई ने गवर्नर रघुराम राजन को किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? सो आरबीआई हैज इंक्लूडेड गवर्नर रघुराम राजन इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ विच स्टेट? सो आंसर इज तमिलनाडु एंड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किसने टॉय कैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है? सो हु इनॉग्रेटेड द टॉय कैथॉन 2021 ग्रैंड फिनाले? सो आंसर इज स्मृति ईरानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन ग्रां प्री फोर्थ में 21.49 मीटर में रिकॉर्ड थ्रो के साथ शॉटपुट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलेटिक कौन बने? सो हु बिकेम द एथलेट टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक इन द शॉटपुट with a record throw of the 21.49 meter in Indian Grand Prix 4? So answer is Tanjir Dal Pal Singh Tur bane hain haal hi mein. Important hai yaad rakhna hame Tanjinder Pal Singh Tur. Now question number 16, antarrashtriya vidhva divas kab manaya jata hai? So when was international widow day? So answer is 23rd June. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस
कब मनाया गया, तो हमें पता होना चाहिए ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम, इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो हमें पता होना चाहिए 2021 की थीम, स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट। स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट, इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें ऑन 23 जून। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, भूमि संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the International Award for the Land for Life 2021 for the outstanding contribution in the land conservation? So answer is Shyam Sundar Jaini को बनाया गया है, important है याद रखना है हमें। Now question number 20, किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना लॉन्च की है? So which state launched the मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना? So answer is Bihar and capital of Bihar is Patna, याद रखना है हमें, important है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस मनोचिकित्सक को निम हैंस विज्ञान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? विच साइकियाट्रिस्ट वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द निम हैंस साइंस इंस्टीट्यूट? सो आंसर इज डॉक्टर प्रमिता मूर्ति को हाल ही में एज अ साइकियाट्रिस्ट अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर ऑफ द निम साइंस यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, शेली एंड फ्रेजर प्राइज कितने मीटर दौड़ की दूरी दूसरी सबसे तेज महिला धाविका बनी है? सो शेली एंड फ्रेजर प्राइस बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट फीमेल रनर इन हाउ मेनी मीटर? सो आंसर इज 100 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, जम्मू कश्मीर राज्य की पहली भारतीय वायुसेना की महिला पायलट कौन बनी है? सो हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सो आंसर इज द माविया सुदान। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किसने सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार जीता है? सो हु वॉन द सीईयू ओपन सोसाइटी अवार्ड? सो आंसर इज के शैलजा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद चाइना टू डेवलप द जॉइंट इंटरनेशनल लूनार रिसर्च सेंटर? सो आंसर इज रशिया एंड कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को, इम्पोर्टेंट याद रखना है हमें मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? सो विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद चाइना टू डेवलप द जॉइंट इंटरनेशनल लूनार रिसर्च सेंटर? सो आंसर इज रशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कैप्टन ऑफ द ओलंपिक बाउंड इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? सो आंसर इज रानी रामपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 23 जून। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? सो What was the theme of the United Nations Public Service Day 2021? So answer is Innovating the Future Public Services, New Government Models for the New Era to Reach the SDGs. Now question number 29, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? So who was appointed as the acting Chief Justice of the इलाहाबाद हाई कोर्ट? So answer is Munishar Nath Bhandari. Answer is Munishar Nath Bhandari. So, this is the Mavya Sudan. Mavya Sudan is the flying officer. Mavya Sudan has become the first woman from the Jammu and Kashmir to be inducted as a fighter pilot in the Indian Air Force. She is the 12th female fighter pilot to be inducted in the Indian Air Force. The 24-year-old Mavya hails from the Lamberi village near the line of the control in the Rajouri district of the जम्मू डिवीजन। हाल ही में फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदान भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। वह वायुसेना में शामिल होने वाली 12वीं महिला फाइटर पायलट है। 24 वर्षीय माविया जम्मू संभाग के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास लंबेरी गाँव की रहने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माविया सुदान। नाउ वी टॉक अबाउट
दी नाउ वी टॉक अबाउट शेली एंड फ्रेजर प्रेस. Jamaican sprinter Shelly Ann Fraser-Pryce became the second fastest woman of all time behind 100 meters world record holder Florence Griffith Joyner when she clocked 10.63 seconds at a meet in Houston. American Griffith Joyner still holds the women's 100 meter world record of the 10.49 seconds. Set in the Indianapolis in 1988 as well as the three fastest timers ever with the 10.61 and the 10.62 also in 1988. जैसा कि हम जानते हैं जमैका की धाविका शेली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉइनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला बनी है जब उन्होंने किंगस्टोन में एक मिनट में 10.63 सेकंड का समय लिया. अमेरिकी ग्रिफ्थ जॉइनर का अभी भी महिलाओं का 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड 10.49 है. सो दिस इज ऑल अबाउट द शेली एंड फ्रेजर प्रेस. नाउ वी टॉक अबाउट सीनियर साइक्लिस्ट प्रतिमा मोती. Dr. Pratima Murthy, head of the Department of the Psychiatrist, National Institute of the Mental Health and the Neuroscience, Bengaluru, has been appointed as a director of the institute for a period of 5 years. She will retire in March 2026. She was awarded the WHO Regional Director Special Recognition Award on World's No Tobacco Day 2021. जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति अध्यक्ष मनोचिकित्सक विभाग राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिक विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 5 साल की अवधि के लिए संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है. वह मार्च 2026 में सेना सेवानिवृत्ति होंगी. उन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति. नाउ वी टॉक अबाउट द अरविंद गोर. दिस इज द अरविंद गोर. The theatre personality Arvind Gore has released the book Habba Khatun, written by the Kajal Suri. The book Habba Khatun was published by the Sanjana Prakashan. Habba Khatun, also known as the honorary title The Nightingale of Kashmir, was a Kashmir poet and the ascetic. She was the wife of the Yusuf Shah Chak, the last emperor of the Kashmir. जैसा कि हम जानते हैं कि रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है. हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी. हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर के मदद से और मानद उपाधि से भी जाना जाता है, एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थे. वह कश्मीरी के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी भी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द अरविंद गौर. And we know about the Habba Khatun book. So guys, this is all about the 24th June 2021 current affairs. For very most important, the upcoming examination like MPPSC, UPSC, SI, MP Police, as well as Railway and other competitive examination point of view. सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना जिससे मैं इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको इजीली कन्वे करा सकूं. साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं. माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.